सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला है। मैं सबको आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मैं हरिद्वार से। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने सुबह के, तो नहा धो लिया है और हम लोग आ चुके थे यहाँ 23 को, और 24 से हमने यहाँ रूम ले लिया है, तो 24 से उसमें रहने लगे। बब्बी यहीं से फार्मेसी करते, आपको बताया था मैंने पहले ब्लॉग में, तो मैं अब यहीं रहूँगी बब्बी के साथ। तो आज मेरा ब्लॉग आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद, तो दिखाती हूँ आपको थोड़ा हरिद्वार का नज़ारा। हम रहते हैं हरिद्वार में सुभाष नगर सेक्टर 4 में। तो ये है यहाँ का नज़ारा ऐसा, और सामने देखो छत पे बंदर भी बैठा हुआ है, और धूप भी आ चुकी है सुबह, हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं। तो अब मैं पहले पूजा पाठ करती हूँ, दिया जलाती हूँ, उसके बाद से दिखाऊंगी आज आपको अपना रूम और किचन। तो मैंने पूजा पाठ कर ली है और ये है हमारा रूम। पूजा पाठ भी हो चुकी है और यहाँ को ऐसी सामान है, और ऊपर स्लीप में भी बैग वगैरह रखे हमने, और पापा भी अभी यहीं हैं, चले जाएंगे 1-2 दिन में अब। और इधर है बाथरूम, बब्बी अभी नहा रही है, और इधर साइड को है हमारा किचन। तो ये है हमारा किचन, तो मैं बनाती हूँ नाश्ता, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो नाश्ता बन चुका है, पराठे बनाए हैं और आलू और चने की सब्जी है, इसमें चाय बन रही है अभी। तो अब करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग नाश्ता पानी करके छत में धूप सेक रहे हैं, और ये है बब्बी, बब्बी से मिलिए, हेलो। और यहाँ पे ये बच्चे खेल लग रहे हैं, क्या है नाम, खुशी और मम्मू। खुशी और मम्मू, मम्मू। और ये देखिए इस साइड को पतंग उड़ा रहे हैं, you
तो अभी हम लोग खाएंगे संतरा और माल्टे, ये है पिसा हुआ नमक। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 और बब्बी कर रही है यहाँ पे अपना काम, तो मैं बनाती हूँ दिन का खाना। तो अभी चावल चढ़ा रखे और आज सब्जी बनेगी भट की जेंस, तो इसमें डालती हूँ मसाले। और प्याज टमाटर भी काट दिया है, तो बनाती हूँ सब्जी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया दिन का, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए से लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सबको मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।